और पहले अमित शाह इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आइए उनके पास। सुधाकर चौधरी जी, नाफेड के चेयरमैन विजेंद्र सिंह जी, एमडी इफ्को राजन चौधरी जी, वाइस चेयरमैन नाफेड डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, और आज के कार्यक्रम में यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे सहकारिता से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे किसान भाइयों बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। भाई मीडिया वाले जरा सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं रहने वाला हूं, बैठ जाइए पीछे दिखा। धन्यवाद भाइयों बहनों, आज ट्रुपको के जैव इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास हो रहा है और इसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रपाल जी ने एक सहकारिता सम्मेलन भी आयोजित किया है। वैसे क्रिप्को ने आज जो शुरुआत की है वो कोऑपरेटिव सेक्टर मोदी जी के पर्यावरण सुधार, कृषकों की आय को, किसानों की आय को दोगुना करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर बढ़ाना और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की चैलेंज को भी संभालकर अपने प्रयास से कम करने का जो अभियान मोदी जी ने उठाया है इसी की एक कड़ी है। मैं चंद्रपाल जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इफ्को ने ये जो परियोजना की है वो परियोजना से हजीरा में 2,50,000 लीटर दैनिक क्षमता वाला बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित होगा। मित्रों ये संयंत्र लगभग 8.25 करोड़ जैव ईंधन का, बायोडीजल का उत्पादन करेगा और इसके साथ साथ लगभग 2.5 लाख मैट्रिक टन मक्का या तो पर्यायी खेत उपजों को, किसान उपजों को एक अच्छा बाजार भी मिलेगा। मित्रों गुजरात में जहां पर यह संयंत्र लागू होता है वहां आकाश की खेती जहां होती है उस क्षेत्रों में, गुजरात के लगभग 9 जिलों में आज मक्का उनका मुख्य उपज है। किसान मक्का बोकर अपनी आजीविका का पालन करता है और इसके साथ साथ 10 जिले ऐसे और हैं जहां का भौगोलिक रूप से हम देखें तो मक्का हो सकता है भले इरिगेटेड लैंड।